रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, मजे में हैं जी। आज की हमारी जबरदस्त सी रेसिपी है बीफ कोला मसाला कबाब। जी, कबाब मसाला तो हम खाते हैं, वैसे भी हम कबाब खाते हैं, लेकिन बीफ गोला मसाला कबाब जबरदस्त। अच्छा, इसमें मैंने मसाला भी बनाया। वैसे गोला कबाब तो हम कबाब में तो खाते रहते हैं, लेकिन मसाले के साथ खाने में, रोटी के साथ खाएं, ये देखिए सैलड के साथ, सैलड के साथ। और प्याज हम बहुत सैलड में लाइक करते हैं, लेकिन आप अपनी चॉइस है। चलिए स्टार्ट करें जी। बीफ है हमारे पास 1/2 kg है, जिसको मैंने बारीक भी करवाया था, लेकिन मैंने अच्छे से चॉप भी किया है। ठीक है, ऑनियन मैंने 2 जो चॉप कर लिए, वाटरमेलन का स्क्वेज कर लिए, 2 मीडियम साइज के मैंने ऑनियन लिए थे। ये है ग्रीन चिली पेस्ट, ठीक है, 6 से 8 अदद है, छोटी वाली जो ज़्यादा तीखी होती है, इसलिए मैंने ये इतनी ली है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 tablespoon, कोरिएंडर लीव्स है, स्पाइसिस में मेरे पास है सॉल्ट है 1 tablespoon, गरम मसाला है 1 teaspoon है, ज़ीरा 1/4 teaspoon, ब्लैक पेपर 1 teaspoon, कोरिएंडर सीड है 1.5 teaspoon। अच्छा, स्पाइसेस इसमें कम लिए, क्योंकि मसाले में भी अभी हमने जो बाद में मसाला बनेगा ना, उसमें भी स्पाइसेस ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने। इसमें मैं थोड़े कम रखी, इसमें ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली का टेस्ट ज़्यादा कबाब में बहुत मज़े का लगता है। आप इसमें रेड चिली नहीं ना मैंने रेड चिली ऐड की है, ना ही मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड की है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, जो ग्रीन चिली है और जो ब्लैक पेपर है, उसी का टेस्ट इसका कबाब में आएगा, तो वो डिफरेंट टेस्ट होता है और बहुत मज़े का लगता है। बाकी स्पाइसेस का टेस्ट आप मसाले में जितने भी कम ज्यादा। हाँ, ये देखो मैंने क्रश की हुई है ना, ये देखिए, और ऑनियन भी चॉप्ड है। ठीक है, उनका वाटर जो है ना, आप अच्छी तरह से उनको स्क्वीज कर लें, पानी निचोड़ लें प्याज का, ताकि ये हमारा जो कीमा है वो ख़राब ना होता है। पानी छोड़ देगा प्याज तो वैसे मुसलसल फिर पानी छोड़ता ही रहता है। अच्छे से उसको ड्राई कर लें, ठीक है, ऑनियन को, और अब अच्छे से मिक्स कर लें, मतलब जिस तरह हम गूंदते हैं आटा गूंदते हैं, उसी तरह से उसको गूंदने, ताकि तमाम स्पाइसिस, ठीक है, और ऑनियन सब कुछ मिक्स हो जाए। कुछ लोग इसमें एग भी डालते हैं, मैंने देखा है कुछ चनों का पाउडर ऐड करते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं, योगर्ट ऐड करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे उसके बगैर ही ना तो टूटेंगे, ना ही बहुत हार्ड बनेंगे, ना ही बहुत ज़बरदस्त और नरम, और बिल्कुल ये है, और मज़ेदार से, और ये बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी है। ज़्यादा ना तो कोई इतने वो चीज़ें डालने की ज़रूरत होती है, ना ही ग्रीन चिली का टेस्ट इतना मज़े का आएगा। आजकल वैसे छोटी छोटी सी आई हुई है, बड़ी स्पाइसी सी है, तीखी तीखी जो होती है ना मिर्च, वो आई हुई है आजकल बिल्कुल। और ये देखें, जब हम इस जो हमारे कबाब हैं, गोला कबाब, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे पास क्या कहते हैं, जो कबाब बनाने के लिए प्रॉपर सीख हो, हम तो ले लेते हैं एक ब्लैक पेंसिल ले लें और उसी पर हम बनाते हैं। ज़्यादातर हम गोला कबाब, कोई भी कबाब जो लंबे कबाब है, वो भी इसी पे, अगर आप थोड़ा सा सुराख और बड़ा करें तो डबल पेंसिल रख लेते हैं और पेंसिल से हम रेडी कर लेते हैं। इसमें इतना इसका सुराख बहुत अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। हाँ, आपको जरूरत नहीं है कि आप इसका ज्यादा बड़ा करो, ये सही बड़ा, क्योंकि जब आप इसको पेंसिल में लगा कर इसको थोड़ा सा पुश करते हैं, इसकी पिंचिंग करते हो, तो ये बड़ा प्यारा से इसका ना बन जाता है, और बहुत ही इजी से है ये। देखिए ना, खाली कीमा खा खा के भी हमारा हो जाता है ना, कीमा मटर खा लो, तो ये डिफरेंट हो जाता है कि जी कीमा है तो क्या बनाए, तो चले जी हम उसको फिर गोला कबाब की शेप देते हैं, काफी कुछ बना लेते हैं, कोफ्ते बनाते हैं, कीमा प्याज, कीमा मटर, आलू कीमा, कीमे वाले पराठे भी हम इंशाल्लाह रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत मजेदार, जबरदस्त होती है, काफी दिनों से हम मिस कर रहे हैं जी। और ये देखिए जी, बहुत ही मजेदार तमाम हमारे कबाब जी रेडी है। अच्छा, इसमें एक शेप का भी मैं बता दूं, इसकी जो लेंथ है वो थोड़ा सा आप रखें, छोटा लगे, जब आप इसको फ्राई करोगे तो ये छोटे हो जाते हैं जी। अब मसाला रेडी करने के लिए देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज के ऑनियन लिए, जिनको बारीक कट कर लिया है, टमाटो पेस्ट मैंने 4 है मेरे पास, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया, योगर्ट है इसमें 1 बाउल है, ये बाउल एक छोटा मेरा बाउल होता है प्याली की सूरत में, जैसे कहते हैं हम, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 teaspoon है, ये देखिए इसमें मैंने रेड चिली पाउडर भी ऐड किया, गरम मसाला 1.5 teaspoon, जीरा पाउडर भी, जीरा मतलब ऐड किया, कोरिएंडर पाउडर भी है, हल्दी भी है 1/4, सॉल्ट भी है 1 tablespoon, रेड चिली फ्लेक्स भी है। अब मसाले में मैंने सारे वो स्पाइसेस ऐड किए हैं, ठीक है, उसमें वो रेड चिली फ्लेक्स नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट टेस्ट फिर तभी लगेगा ना जब आप वो नहीं डालोगे। और जो हमारा प्याज था वो हमने ऑमलेट वाला जो प्याज की होती है वो मैंने शेप दिया, क्योंकि मैंने इसको वो पेस्ट ही ना बनाना था, मैंने उसको फ्राई करना था, इस वजह से अब हम इसमें करेंगे अपने कबाब फ्राई करेंगे, साथ साथ हमारे कबाब फ्राई होंगे और साथ साथ हम मसाला भी रेडी करेंगे। दोनों तरफ से मैं दिखा सकती हूँ आपको, मैंने दोनों चीज़ें दोनों साइड पर रखी हुई हैं,
उस तरह मैं अब मसाला रेडी करूंगी तो मेरी ये झटपट रेडी हो जाते हैं मसाला कबाब बनाना। अच्छा ये बनाना। इसको कितनी आंच में हमने कम से कम फ्राई करना है? कुछ होता है ना बहुत फुल नहीं, फुल में नहीं, आप ऑयल गर्म कर लीजिए। देखिए यहाँ पे भी मेरा मीडियम में था, बाद में आप थोड़ा सा लाइट कर दीजिएगा, मीडियम से थोड़ा सा कम, बहुत लो पे भी नहीं आपने लेके जाना, ठीक है, मतलब मीडियम से थोड़ा कम करके जैसे कलर उसका बनाए ताकि ये अंदर से गल भी जाए। वो तो बाद में हम मसाले में जब ऐड करेंगे तब भी हम 10-15 मिनट का दम देते हैं। वैसे भी कीमा अच्छे से चॉप्ड हुआ था, जल्दी गलने का इतना इशू नहीं होता, चाहे बीफ हो चाहे मटन हो। चिकन के कबाब भी बनाती हूँ इंशाल्लाह, इसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। चिकन के कबाब वो इससे काफी डिफरेंट है। हमने प्याज वो जो मसाले के लिए प्याज है उसमें ऑयल लिया कढ़ाई में और फिर हमने प्याज उसको आपने थोड़ा सा ब्राउन लाइट ब्राउन कलर में लेके जाना है जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लेके जाना हमने। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स जो है वो हमारे साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें लाजमी जी। और हम मैं आपको बताना चाहूँगी जो इंटरव्यू मतलब कोई नूर चैनल पर था, मतलब वो मैं उनका आपको उसकी वो प्रिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी तो आप वहाँ से वॉच लाजमी करिएगा जरूर वॉच कीजिए, ठीक है। लाइव वो शो था लेकिन आज लाइव हुआ है, कल आपको इंशाल्लाह वो यूट्यूब पे आ गया है। हाँ आ जाता है शाम तक, शाम तक वो फिर आ जाता है यूट्यूब पे, तो आप लाजमी देखिएगा। देखिए इसको लाइट्स अभी तो फ्राई हो रहा है ऑनियन, ठीक है, साथ साथ में मैं दिखाऊंगी मेरे कबाब भी फ्राई हो रहे हैं। कबाब को मैंने हाफ पहले फ्राई किए थे हाफ फिर मैंने बाद में फ्राई किए थे। ये देखें ये जी कलर चेंज हो जाए, ये देखें कढ़ाई भरी है तो बेशक आप 7.5 में डाल दो लेकिन कढ़ाई के हिसाब से है ना शेप वो होना चाहिए कि कितने हमने पीसेस में ऐड करनी है, ठीक है। हाँ वो मैं कढ़ाई छोटी सी मैंने ली हुई थी उसमें हाफ हाफ करके मैं कर लेती होती हूँ क्योंकि जैसे जैसे हमारे वो मसाला रेडी होता है साथ ही मेरे कबाब भी फ्राई हो जाते हैं। थोड़े से कबाब मैंने बनाए थे रेसिपी आप लोगों के लिए, ये देखिए हाफ मेरे फ्राई हो गए हैं हाफ मैंने और ऐड कर दिए हैं, ठीक है। मज़ेदार से हमारे गोला कबाब जो है मसालेदार रेडी हो रही है और ये खाएंगे आप तो एंजॉय भी करेंगे। अच्छा जब कबाब हमारे वैसे लैदा से बनते हैं ना तो हम वो वैसे ही खा जाते हैं इसलिए मैंने नहीं खाने देती, मैं फटाफट मसाला रेडी करती हूँ कि नहीं हम खाने में साथ खाएंगे। भाभी ना सासा फ्राई कर देते सासा मसाला भून के ना उसी के अंदर ऐड करना शुरू कर देते क्योंकि उन्हें पता है कि हमने ना एक एक कबाब उठा के खाना शुरू कर दिया, मजा आता है, बहुत मजा आता है। खाली कबाब भी खाते रहते हैं हम मजे के लेकिन मसाले के साथ खाएं रोटी के साथ ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल जी। अब इसमें जाएगा टमाटो पेस्ट, ठीक है, आज मैंने इसको बिल्ली कश किया टमाटर्स को। अच्छा। वैसे मैं पेस्ट बना लेती होती हूँ मतलब थोड़े से चूल्हे पे रख के ना बेक कर लो ना तो अच्छे से ये मैश हो जाते हैं लेकिन आज मैंने ना बिल्ली कश किया, ये देखें। अच्छा जबरदस्त। और अच्छा ये गोला कबाब मसाला जो है ये अगर आप पराठे के साथ खाएंगे ना इसका तो और ज्यादा मजा आता है, इसका और मजा आता है। हम अक्सर सैरी टाइम ये रेसिपी बनाते हैं बनाती है जी। अब जैसे ही वो उसका पानी वो खुश्क होगा टमाटो का फिर आपने स्पाइसेस ऐड कर देने और थोड़ा सा ऑयल देखिए थोड़ा सा वो छोड़ेगा साथ ही स्पाइसेस के साथ ही अब वो तो स्पाइसेस मैं फ्राई करती हूँ योगर्ट में, ठीक है, योगर्ट को थोड़ा सा पतला कर लीजिएगा लास्ट भी लाजमी ताकि उसकी गुलटियाँ सी ना बने जी। ये फ्राई होगी अब हमारी स्पाइसेस, जैसे ही स्पाइसेस हमारी फ्राई होगी ऑयल आपको सेपरेट हो जाएगा तो आपसे मिलेगा स्पाइसेस भी फ्राई हो जाएगी और 10-15 मिनट के लिए हम डालेंगे कबाब और उनको दम देंगे और मज़ेदार से हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे जी। जबरदस्त और एक किस्म की ये भी झटपट वाली ही रेसिपी है। हाँ झटपट सी है, इतना टाइम नहीं है, जो भी आपको मतलब ऑनियन कट करने में या उसी में जो लगना है वही लगेगा, अदरवाइज नहीं। अगर आप बाजार से जो कीमा लेके आए उसको बारीक मशीन से अच्छे से करवा लेना तो घर में चॉप करने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी। जबरदस्त ये देखिए जी माशाल्लाह जी। अब मैं इसको थोड़ा सा स्मोक भी दूंगी ताकि इसमें सही वो लुक आए, सही वो बारबेक्यू वाला कबाब वाला जो हम बाजार से खाते हैं ना। ये देखिए मैं उसको ऑयल पहले से मैंने भी दी थी कि ना बड़ा बारबेक्यू टेस्ट आ रहा है ना। हाँ उसमें मैंने स्मोक किया था इसको, इसी तरह हमारा मसाला भी थिक सा रेडी सा हो गया। अच्छा मसाला हमने बड़ा ड्राई ड्राई सा रखते हैं, अगर आप चाहे तो थोड़ा ग्रेवी टाइप से रखते हैं, करी टाइप सा भी एक मसाला बनता है वो भी मजे का लगता है जैसा आप लाइक। हाँ इसका शोरबा नहीं बनाना वैसे अमूमन हम मशहूर हैं कि हम लोग ना हर चीज का शोरबा बनाते हैं क्योंकि हम पसंद करते हैं लेकिन हर चीज में नहीं हम करते, हर चीज में शोरबा अच्छा लगता है हम उसी का बनाते हैं जी। ये अब जाएंगे उनको अच्छे से मैंने कोई 15 मिनट नहीं 10 से 15 मिनट मैं नहीं देती, 5 मिनट ही स्मोक वो जो उसका वो होता है वो काफी होता है, काफी होता है बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए जी जबरदस्त माशाल्लाह
ये देखें कबाब हमारे सारे इसमें तकरीबन ऐड हो चुके हैं, और फिर इसके बाद हम इसको दम दे देंगे। हाँ थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फ्राई तो करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस थोड़ा सा यानी कि इसको मिक्स करके ना, मिक्स करके हाँ, ताकि अच्छे से मसाला भी वो जो गोला कबाब के अंदर सुराख से होते हैं उसके अंदर चला जाए, अच्छे से जज़्ब हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने ये आपको स्पाइसेस बताई हैं, जैसे इसी हिसाब से बनाएंगे तो आपके हाफ के जी कीमे के गोला कबाब बहुत मज़े के बनेंगे। अगर आप स्पाइसेस खाना खा चाहते हैं ज़्यादा, मतलब स्पाइसी लाइक करते हैं, तो आप थोड़े से स्पाइसेस को थोड़ा ज़्यादा कर लें, ब्लैक पेपर हमारा। अच्छा आप हमारी वाली टोटली एक ट्राई कीजिएगा हाँ। कभी रेसिपी तो हम लोगों ने स्पाइसेस वगैरह सब कुछ नॉर्मल रखा होता है, हमारे ज़्यादातर स्पाइसेस नहीं होते बहुत ज़्यादा खाने। माशाल्लाह जी, ये देखिए जी मज़े मज़े के हमारे गोला कबाब मसालादार तैयार हो चुके हैं, साथ में हमारे पास खीरा है, प्याज काटा हुआ है, सबस मिर्ची है, मेरे मुंह में फिर से पानी आ गया है। कल आएंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।